ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। नहीं तो ये क्या रील रियल ये क्या है रील के ऊपर आप बार बार आप भाषणों में कहते हो ये क्यों कहते हो? ऐसा है कि एक सिर्फ पंप एंड शो करना तो ये जनता देख रही है। अभी आप देख रहे हैं कि जनता रियल भी देख रही है और रील भी देख रही है और आखिर मतदान के अंदर जब वोट देने जाएगा तो रियल व्यक्ति होगा वो जाएगा रियल नहीं जाएगी। एसटी का एक बड़ा वोट बैंक है जहां पर अर्जुन मेघवाल से भी बात हुई थी। कांग्रेस ये फैला रही है कि साहब इस बार मोदी जी अगर 400 पार आए तो संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या है फंडिंग ये को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग मैंने कहा ना टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितने भी हैं उनकी तो सभी की जाँच होगी चाहे कोई भी हो। खिला जी एक जो लोगों के बीच में ये चर्चा चलती है आप कह के विपक्ष फैला रहा है कि जो जाट मतदाता है वो कांग्रेस के साथ में है इस समय, इसकी क्या सच्चाई है? कैलाश जी आप लगातार मुझे आज भी याद है कि आज से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ में जो एक मीटिंग हुई थी उस वक्त मैं रात को 4 बजे था, इसकी सच्चाई क्या? लोग ये भी जानना चाहते हैं साहब, थोड़ा डिटेल से बताइए क्या कौन कर रहा है क्या कर रहा है। राजस्थान ही नहीं पूरे देश की नजर इस समय बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर है जहां से मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में कैलाश चौधरी इस समय गुड़ा मलानी के विधानसभा में, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं कि किस तरीके से उनका काफिला है, जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है रिचपाल मिर्दा से लेकर बाकी जो तमाम स्टार प्रचारक है। इस समय कैलाश जी से बातचीत करेंगे क्योंकि कैंपियन में 2 या 3 दिन का वक्त रहा और उससे पहले लगातार। कैलाश जी चुनाव के अंदर पिछला चुनाव था मैं मुझे आज भी याद है मैं लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू करने आया था धोरीमना के अंदर ही करने आया था, क्या लग रहा है इस बार और उस बार में क्या फर्क है धोरीमना के अंदर क्या क्या देख रहे हैं? ऐसा है कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और केंद्र में 400+ सीटें आ रही है और ये स्पष्ट जनता का उत्साह और जोश दिखा रहा है और ये नरेंद्र मोदी जी के दिलों में बस गए हैं पूरी देश की जनता और जनता है उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी है और इसलिए आज ये देख रहे हैं जहाँ भी सभाएं हो रही है वहाँ पर जो जोश है जुनून है उत्साह है ये स्पष्ट दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जन कल्याणकारी काम हुए हैं उसी की वजह से आज बच्चा बच्चा मोदी जी का नाम ले रहा है, बुजुर्ग मोदी जी का नाम ले रहा है, तो कहीं युवा है तो महिला है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किए हों या चाहे वो गरीब कल्याण के काम हुए हो चाहे भगवान श्री राम का मंदिर बना हो धारा 370 हटी हो या तो सीए का कानून लाया। आप पर आरोप क्यों लगाता है? माहौल ऐसा बना दिया कि साहब कैलाश चौधरी ने कुछ किया ही नहीं। मैं भी कल एक बात कर रहा था तो क्या साहब क्योंकि हाँ पक्का मकान मिल गया ये मिल गया वो मिल गया कैलाश चौधरी ने किया ही नहीं, ऐसा क्यों माहौल बना दिया जा रहा है क्या लग रहा है क्या रीजन है? ऐसा है कि कुछ लोग बंद कमरे में 400-500 बैठ कर सोशल मीडिया पे किसी को अगर बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि काम नहीं हुआ तो फिर ये हजारों हजारों के लोग जो उमड़ करके मेरे सभाओं में आ रहे हैं और पूर्ण रूप से जिस तरह से कि पिछले बार जैसे अधिक मैं जीत रहा हूँ और जनता का जिस तरह से आशीर्वाद मिल रहा है तो स्पष्ट है कि ये लोग पिछली बार भी ऐसे ही कर रहे थे। अच्छा, आपने उस समय भी देखा होगा ऐसी बातें कर रहे थे और उस समय भी आपको पता है कि चाहे सट्टा बाजार हो या दूसरी जगह पर यही होता था कि कैलाश चौधरी जी नहीं निकलेंगे लेकिन आपको पता है 3.25 लाख से जीते तो इसलिए इस बार मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ अगले से भी पिछली बार से भी इस बार मार्जिन ज़्यादा रहेगा जनता के आशीर्वाद से। कौन कौन स्टार प्रचारक है जो इस वक्त कैलाश चौधरी के लिए आ रहे हैं लगातार क्या क्या कुछ प्लानिंग है सीट को जीतने के लिए बड़े जो दावा किया जा रहा है 5 लाख? ऐसा है कि स्टार तो हमारी जनता है और प्रचार करने के लिए हमारे 24 तारीख को जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी स्टार रही है और स्टार है और वो कंगना रानावत जी है जिन्होंने चुनाव भी अभी लोकसभा का लड़ा है तो ऐसी वो हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर आ रही है और उनको देखने के लिए और उनको सुनने के लिए जनता आतुर है और वो सुबह जल्दी जैसलमेर में 9 बजे पहुँचेगी और 10-10:30 बजे तक बाड़मेर पहुँचने का उनका प्रोग्राम रहेगा। SC ST का एक बड़ा वोट बैंक है जहां पर अर्जुन मेघवाल से भी बात हुई थी। कांग्रेस ये फैला रही है कि साहब इस बार मोदी जी अगर 400 पार आए तो संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या है? ऐसा है कि ये जो झूठे लोग हैं असत्य बातें करने वाले फैलाने वालों का लोगों का काम यही है और ये आज से नहीं फैला रहे हैं बरसों से फैलाते आए और आपको पता है कि जब उन्होंने खुद ने अपने उद्बोधन के अंदर बाड़मेर की सभा में कहा था कि संविधान हमारे लिए ग्रंथ है और संविधान हमारे लिए गीता है कुरान है बाइबल है इसको अगर बाबा साहब खुद आकर वापस आके कह दे तो भी हम नहीं हटाएंगे तो इससे ज़्यादा क्या जवाब हो सकता है।
पर अब उनके क्या है कि उनकी कुछ बातों को सिर्फ वो अपनी झूठ को परोसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर SC के लगभग 70-80% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ये जो कुछ पॉकेट के अंदर जो लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो जिनका उद्देश्य यही है कि सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना, तो वो मोदी जी उनसे नहीं होंगे। मोदी जी तो निश्चित रूप से आज दिल में बसे हुए हैं जनता। भाटी को लेकर आपने कहा कि जो उसकी फंडिंग्स है, ये तमाम चीज़ें हैं, क्या मतलब क्यों आरोप आपको लगाना पड़ा? क्या लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इस टाइप का? ऐसा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करना चाहते हैं, जिसका शुरुआत आपने देखा होगा कि JNU के अंदर कन्हैया ने शुरू की थी और उस समय राहुल गांधी उनके समर्थन में पहुंच गए थे। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इस तरह से कि चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे युवाओं को भ्रमित करने का बात हो, इस प्रकार से कि किसी भी प्रकार से देश को कमज़ोर करें। जब तक देश कमज़ोर नहीं होगा तब तक नरेंद्र मोदी जी जनता के दिलों से निकल नहीं सकते। इसलिए उनके सारे प्रयास वो हथकंडे कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि देश की सीमा पर हो चाहे देश के बाहर हो, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, मैंने कहा ना, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जितने भी हैं उनकी तो सभी की जांच होगी, चाहे कोई भी हो। अच्छा खिला जी, एक जो लोगों के बीच में ये चर्चा चलती है, आप कहें कि विपक्ष फैला रहा है, कि जो जाट मतदाता है वो कांग्रेस के साथ में है इस समय, इसकी क्या सच्चाई है? कैला जी, आप लगातार, मुझे आज भी याद है कि आज से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ में जो एक मीटिंग हुई थी, उस वक्त मैं रात को 4 बजे था, इसकी सच्चाई क्या? लोग ये भी जानना चाहते हैं साहब, थोड़ा डिटेल से बताइए, क्या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? ऐसा है, बाड़मेर की जनता की सेवा करते हुए मुझे आज 30 साल हो गए। मैंने किसानों के लिए आंदोलन किया, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, मैंने युवाओं के लिए आंदोलन किया है, मैंने मजदूरों के लिए आंदोलन किया है, मैंने रेलों को किस तरह से स्टेशन पर रुके व्यवस्था उनके लिए आंदोलन किए, ऐसे मैंने जीवन पर मेरा संघर्ष भरा जीवन रहा है। तो इसलिए मेरे साथ में 36 कौम के लोग हैं, इसमें हर वर्ग मेरे को सपोर्ट कर रहा है और मैं 36 कौम के लिए काम करता हूँ और 36 कौम मेरे साथ है, जिसमें जाट समाज भी है और अन्य राजपूत समाज भी है, तो OBC भी है, तो SC भी है, ST भी है और जनरल है, सभी मेरे साथ है। और निश्चित रूप से इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ, मैंने 3.25 लाख से अधिक जीता, इस बार उससे भी ज़्यादा मार्जिन रहेगा जनता के आशीर्वाद से। भाईतू में क्या लग रहा है? भाईतू के अंदर आप वहाँ से विधायक रह चुके हैं, आपने वहाँ लंबा एक वहाँ आपका राजनीतिक करियर वहीं स्पेंड हुआ, वहाँ पर इस बार बेनीवाल है, हेमा राम जी, आज तो राहुल कस्बा भी आ गए। ऐसा है, कोई कहीं से भी आ जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ पर सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी आगे रहने वाली है। किससे टक्कर है? मैंने कहा ना कि जब मैं पिछले मार्जिन से भी अधिक मार्जिन के साथ जीत रहा हूँ, तो इसका मतलब टक्कर कहाँ है? ये मैं तो कह रहा हूँ, जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। नहीं तो ये क्या रियल ये क्या है? रील के ऊपर आप बार बार आप भाषणों में कहते हो, ये क्यों कहते हो? ऐसा है कि एक सिर्फ पंप एंड शो करना, तो ये जनता देख रही है, अभी आप देख रहे हैं कि जनता रियल भी देख रही है और रील भी देख रही है, और आखिर मतदान के अंदर जब वोट देने जाएगा तो रियल व्यक्ति होगा वो जाएगा, रियल नहीं जाएगी। अब देखिए कैलाश चौधरी जो कि पूरी तरीके से आश्वस्त है, तमाम जितने भी आरोप लग रहे हैं, तमाम जितने भी विवाद चल रहे हैं, तमाम बाकी सवालों का भी बेबाकी से जवाब दिया। दिनेश मौर्या, बाड़मेर।